रोडवेज कर्मचारियों का जिन में प्राइवेट परमिट लेकर बस चलाने को लेकर हुए झगड़े की खबर प्रदेश भर के कर्मचारियों में आग की तरह फैल गई, जिसके चलते दो घंटे का हरियाणा सरकार के खिलाफ वादा खिलाफी को लेकर प्रदर्शन किया और अल्टीमेटम दिया कि अगर सरकार ने प्राइवेट बसों को परमिट दिए गए तो फरीदाबाद के साथ साथ पूरे प्रदेश में रोडवेज का चक्का जाम करेंगे। सीधी बातचीत हुई, उस बातचीत में ये बात रखी गई माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आपने ऐसी क्या अधिसूचना कोई जारी की है कि प्राइवेट बसों को परमिट व समय टाइम टेबल दिया जा सके। तो मुख्यमंत्री जी ने स्वयं अपने मुखारविंद से ये कहा था कि हमने ऐसी कोई अधिसूचना या संविधान नहीं बनाया है। तो सरकार कहीं ना कहीं दोगली बातें करती है कि अधिकारी अपनी मर्जी से टाइम टेबल नहीं, से कहीं ना कहीं सरकार का इसमें कोई रोल है, वो अलग से कोई बात है। और पीछे भी ट्रांसपोर्ट बिल 2017 जो लेके आए हैं 2014 से आ रहा था, उसके विरोध में भी लगातार विरोध किया, लेकिन अब इन प्राइवेट परमिटों के विरोध में कल जिन डिपो के अंदर वहाँ के रोडवेज के कर्मचारियों में समितियों जिनको परमिट दिया उनका टकराव हो गया कि बगैर रोडवेज की अनुमति को जो उनको टाइम टेबल देने का कार्य किया है उसके विरोध में टकराव हुआ। और टकराव होने के बाद वहाँ के DC SP SDM सबसे बातचीत की, लेकिन कोई सकारात्मक पहले नहीं की। कल से वो डिपो बंद है और उस डिपो बंद होने के बाद पूरे हरियाणा में एक फैसला लिया गया कि वह पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर डिपो सब डिपो में 2 घंटे का प्रोटेस्ट किया जाएगा। और इसी बीच में अगर अपनी राज्य कमेटी की तरफ से कोई ऐसा फैसला आता है तो मैं कहता हूँ अगर सरकार ने इस बात को नहीं सुना, नहीं माना, तो हो सकता है अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी कर्मचारी जाने के लिए तैयार हैं। हमारी मांग ये है हरियाणा प्रदेश की जो सरकार है वो इस विभाग को बर्बाद करना चाहती है। उनका मकसद ये है इसको प्राइवेट कर दो। कोई भी आदमी है, उन्होंने एक पॉलिसी बनाई, चाहे 20 परमिट लो चाहे 30 परमिट लो, पैसे भरो और परमिट लो। सरकारी गलत नीतियों के कारण, सरकारी कर्मचारी विरोधी नीतियों के कारण पूरे 2 घंटे प्रदेश में, पूरा हरियाणा प्रदेश में जीन डिपो हमारा कल का बंद है। अगर सरकार नहीं मानी तो 1 दिन पूरा हरियाणा रोडवेज बंद हो सकती है और हम चक्का जाम कर देंगे। ये जो प्राइवेट परमिट दे रही है, पॉलिसी कर रही है, बिल्कुल हम नहीं मानेंगे।